नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभात सर्विसेज में। दोस्तों, आज के समय में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना तो बहुत आसान है, चाहे वो कम पूंजी से शुरू किया जाए या ज़्यादा पूंजी से, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी प्रॉफिट मार्जिन के साथ, चाहे वो ज़्यादा पूंजी वाले हों चाहे वो कम पूंजी वाले हों। ज़्यादा पूंजी वालों के साथ तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम पूंजी वालों के साथ बहुत दिक्कत है। उसका कारण ये है कि जिनके पास कम पूंजी होती है उनके पास दो शर्तों पे काम करना होता है। एक तो पहले माल मंगाया, फिर उस माल को बेचा, बेचने के बाद जब पैसा आया तो फिर माल मंगाया, फिर बेचा। तो माल बेचने और माल मंगाने के बीच में जो टाइम का गैप होता है, उस गैप में जो आमदनी होनी चाहिए थी वो आमदनी नहीं हो पाती है, उस समय का नुकसान होता है। और समय का नुकसान का मतलब है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। तो दोस्तों, ये कम पूंजी वालों के साथ ये बड़ी समस्या है। ज़्यादा पूंजी वालों के साथ ऐसी समस्या नहीं होती, उनके पास क्या होता है कि पैसे हैं तो एक माल तो उनका बाज़ार में बिकने के लिए जाता है, एक माल उनके घर पर पैकिंग के लिए रखा रहता है, और एक माल होता है ट्रांसपोर्ट में लगा रहता है कि अगर पैकिंग वाला माल कम होगा तो वो ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा जल्दी से, जिससे उनका बिजनेस रुकेगा नहीं, रेगुलर चलता रहेगा। ये लोग भी जो ज़्यादा पैसे पूंजी वाले हैं, उनके साथ प्रॉब्लम तब आती है जब उनके पास माल तो तैयार हो जाता है लेकिन उनकी सेल नहीं हो पाती है। तो एक बार उन्हें भी सोचना पड़ता है कि यार माल तो सेल नहीं हो रहा, रोटेशन नहीं चल रहा है, और रोटेशन ना चलने की वजह से अच्छे बिजनेस बंद हो जाते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा पैसे वाला हो या चाहे वो कम पूंजी वाला हो। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाया है, इस वीडियो का बनाने का मुख्य कारण यही है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं, वो लोग जिनके पास बहुत ही कम पूंजी है और उन्होंने काम तो शुरू कर दिया है बट सेल ना होने के कारण वो मजबूर हो रहे हैं कि काम बंद करना पड़े। मतलब जो स्क्रबर पैकिंग और सेलिंग का काम कर रहे हैं मगर उनके पास सेल नहीं है, उनके पास कस्टमर्स नहीं है, माल ऐसे रखा रह जा रहा है, पैक किया हुआ माल पड़ा हुआ है, डंप है, और आगे काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्क्रबर के, उसके साथ वो पैकिंग और सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं क्योंकि इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम होती है। बट वो लोग जिन जो सिर्फ पैकिंग और सेलिंग का काम करते हैं उनके लिए कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिए की में आपके प्रोडक्ट की अच्छी सेल हो, आप और आपको ये काम बंद ना करना पड़े, तो मेरी तरफ से एक कोशिश है कि आप मुझसे संपर्क करें, और मैं एक कोशिश के द्वारा मैं अपने सोर्स के द्वारा आपके एरिए में आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं आपके पास कोई सेल्समैन भेजूँ, या हो सकता है कि मैं आपके पास आपको किसी होलसेलर से कनेक्ट कराऊँ जो कि डेफिनेटली आपका माल खरीद सके। मगर दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ तो नहीं कहता कि मैं डेफिनेटली, मतलब कि 100% मैं आपके माल को बिकवा ही दूँगा, तो मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता। हाँ, मैं बिकवाने की एक कोशिश ज़रूर करूँगा, मैं अपने सोर्स के द्वारा मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो एरिया है उधर आपका माल बिक सके। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का आपको एड्रेस मुझे देना है जहाँ आप पैकिंग कर रहे हैं, और आपके चारों तरफ का एरिया बताना है कि आपके कितने किलोमीटर तक की रेंज में स्क्रबर की अच्छी डिमांड है, जहाँ कोई बाज़ार लगती है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, या उधर कोई आपके मतलब कि होलसेलर्स हैं जो ले रहे हैं, या होलसेलर्स के बारे में आपको नहीं पता हो तो फिर मैं सर्च करूँगा। और एक चीज़ और बतानी है कि आपके पास साधन कौन कौन से हैं, कि आप अगर आप माल अगर सेल करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम कितना माल एक बार में ले जा करके आप सेल कर सकते हैं, और कितने दूर तक आप अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको देनी है। मेरी कोशिश ये रहेगी इन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करके मैं आपके एरिया के किसी सेल्समैन से कांटेक्ट करूँगा या किसी होलसेलर से कांटेक्ट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सके। और इस काम में मेरा किसी तरीके का मतलब कि इंटरफेयर नहीं होगा इस तरीके का कि हाँ मेरी कोई कमीशन हो या मेरा कोई प्रॉफिट मार्जिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेन देन में भी मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, आपको अपना माल देना है, कैश पेमेंट लेनी है, उधार किसी को नहीं देना है, क्योंकि पहले से आपके पास बिजनेस नहीं है, पहले से पूंजी नहीं है, अगर आप उधार दे देंगे तो आपका आगे का काम कैसे चलेगा। और वैसे मैं बता दूँ तो होलसेल के बिज़नेस में अधिकतर उधार का काम बहुत ज़्यादा होता है। व्यापारी पहले आपसे माल लेंगे और आपको वीकली बुलाएंगे, 8 दिन 10 दिन का टाइम पीरियड या 15 दिन का देते हैं कि पहले माल बिक जाएगा तो आप पेमेंट ले जाइएगा, ठीक है, फिर दूसरा माल आप डाल दिए वो माल बिक जाएगा तो पेमेंट ले जाइएगा। मोस्टली बड़े व्यापारी जितने होते हैं वो इसी तरीके का काम करते हैं और वो अपना पैसा नहीं लगाते, आपका माल लेंगे, आपका माल बेच करके पैसे कमाएंगे और आपको देंगे, ये उनका सिस्टम होता है। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो भी बंदा आपसे मिले वो कैश मिले, अगर आप उसे उधार में देते हैं तो वो आपके रिस्क की बात है या आपके उससे रिलेशंस की बात है। सिर्फ मेरी कोशिश है कि मैं आपके एरिया के सेल्समैन को सर्च करूँगा, आपके एरिया के होलसेलर को सर्च करूँगा, अपने सोर्स के द्वारा कोशिश करूँगा कि वो आपसे संपर्क करें और आपके प्रोडक्ट को सेल कराएं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो नंबर वन क्वालिटी का होना चाहिए, ये नहीं कि अगर आप 430 ग्रेड के प्रोडक्ट बता रहे हैं उसके अंदर 410 ग्रेड हो या GI भरा हो। और अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि आपकी पैकिंग 10 ग्राम की है उसमें कहीं 9 ग्राम ना हो, 12 ग्राम की है 10 ग्राम ना हो, मतलब जो आप बता रहे हैं कि अगर आपकी पैकिंग 12 ग्राम पीस की है तो 12 ग्राम ही प्रोडक्ट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पैकिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए और आपको ये भी बताना है कि मिनिमम कितने प्रॉफिट मार्जिन पे आप सेल कर सकते हैं। एक तो प्रॉफिट मार्जिन का रेशियो मतलब ऐसा रखना है कि आपको लॉस ना हो, और दूसरा कि आप मार्केट से कंपटीशन कर सकें, मतलब मार्केट में जो प्राइस रेट चल रहा है सबके लिए, अब आप अगर उससे ज़्यादा प्राइस बताएंगे तो उस प्राइस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होगी। तो आपको जो प्राइस रेशियो है आपकी कॉस्टिंग पहले बताने कि आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है और मैक्सिमम कितने रुपए तक आप सेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा बताते हैं, इतनी हेल्प करते हैं मेरी, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा कि आपका माल बिक सके। और ये वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बिज़नेस को नहीं करते हैं बट करना सोच रहे हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या वो लोग जो अपने किसी दोस्त को या सगे संबंधी को जानते हैं कि जो स्क्रबर का बिज़नेस कर रहा है बट उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे मैं उनकी भी हेल्प कर सकूं। मैं एक बार फिर से दोस्तों बोलूँगा कि मैं 100% गारंटी के साथ तो नहीं कहता बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके एरिया का सेल्समैन दिला सकूं। अगर आप मुझसे संपर्क आज करते हैं तो मेरी कोशिश रहेगी 10 से 15 दिन के अंदर मैं आपको उस एरिया का एक सेल्समैन दिलाऊं या कोई ऐसा होलसेलर दिलाऊं जो आपके माल को लेकर खरीद के या आपसे माल लेकर के जाए और डेफिनेटली जाए। तो ये मेरी एक कोशिश है, आपकी बस यही कोशिश है कि आप अपना माल अच्छा बना करके रखें। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, कोई और इस काम को कर रहा है, तो इस वीडियो को उस तक शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू, मैं तो नहीं कहता कि सबका भला हो जाए, एक आदमी का भी भला होगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और स्क्रबर से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक किसी भी समय आप कॉल करें, किसी समय तो नहीं मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं प्रॉपर वे में रिप्लाई दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।